उत्तर प्रदेश पुलिस के नक्शे कदम पर चलते हुए गुजरात की वडोदरा पुलिस ने ऐलान किया है, नागरिकता कानून मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हिंसा फैलाने वालों की संपत्ति जब्त कर की जाएगी। पिछले महीने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ गुजरात में जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए थे और सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियां भी तोड़ दी थी। इसको लेकर वडोदरा पुलिस ने यूपी पुलिस की तर्ज पर सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई का ऐलान किया है। 20 दिसंबर को पत्थरबाजी में वाहनों को क्षति पहुंचाई गई थी, जिसका हिसाब भी लगा लिया गया है। तकरीबन 40,000 रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। कमिश्नर ने कहा कि पुलिस बहुत ही जल्द अदालत की शरण में जाएगी और हिंसा फैलाने वालों की संपत्ति जब्त करने की इजाजत मांगेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संज्ञान में ले रही है जिसमें सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए गए हैं। તમારી સેફટી માટે પોલીસ હાજર છે, તમામને વિનંતી છે કે ઘરમાં જતા રહો।